हेलो दोस्तों, जैसे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है, तो हमें G20 के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। यह PIB की न्यूज़ है और PIB की न्यूज़ में जितना कुछ है वो हम आज जान लेते हैं। भारत ने अपनी अध्यक्षता वाली G20 है, इसके जो थीम रखी है उसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इसी के तहत उन्होंने एक लाइफ इनिशिएटिव भी शुरू किया है जिसका अर्थ है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। दरअसल G20 20 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और 20 सरकारों का एक मंच है जिसमें 19 देश हैं। 19 देश में कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। तुर्की में अभी भूकंप आए थे तो तुर्की भी याद रखने की जरूरत है, ये G20 का सदस्य देश है। ये सब देश तो G20 के मेंबर्स हैं। इसके अलावा एक EU है, यूरोपियन यूनियन, तो यहाँ पे हमें दिखा रखा है। इसके अलावा अब नोट करने की जरूरत है कि यह विश्व GDP का 85% तक, तो हमें ये इधर अलग से लिख के रख लेना चाहिए नोट्स के रूप में कि 85% GDP, 75% व्यापार, 2/3 जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है G20। तो ये मेंस में जब भी आप आंसर लिखना शुरू करो तो G20 के बारे में जब भी क्वेश्चन आए मेंस में तो ये डेटा कोट कर सकते हो, तो इसे रख के लिख के रख लेना चाहिए। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन इसकी जो औपचारिक पहली बैठक है 2007 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद में शुरू हुई थी। तो 2009 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में इसे नामित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होता है और इसकी अध्यक्षता बारी बारी से देशों को प्राप्त होती है। G20 काम कैसे करता है? तो G20 अध्यक्ष देश एक वर्ष के लिए G20 का एजेंडा आगे बढ़ाता है। पिछला एजेंडा किसने बढ़ाया था? इंडोनेशिया ने। अब की बार कौन बढ़ा रहा है? भारत यानी इंडिया। पिछला एजेंडा तय किया था इंडोनेशिया ने, अब की बार एजेंडा तय करेगा इंडिया क्योंकि भारतीय अध्यक्ष है। तो इसके तहत फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक दो प्रकार की ट्रैक चलती है। एक चीज नोट करने वाली है कि ये एक एंगेजमेंट ग्रुप है। G20 की अध्यक्षता में, भारत की G20 की अध्यक्षता में ये पहली बार है कि एंगेजमेंट ग्रुप के रूप में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप की भूमिका को पहचानते हुए स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना पहली बार भारत कर रहा है। तो स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप यह भारत पहली बार कर रहा है, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब भारत की G20 की अध्यक्षता के बारे में कुछ दिया हुआ है। G20 के लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के 3 जीवंत कलर दिए हुए हैं। इसके लोगों के नीचे लिखा हुआ है भारत में एक वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और ये महाउपनिषद से लिया गया है, ये इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो जाता है। भारत G20 में कौन कौन सी प्राथमिकताएं रखने वाला है, तो इन प्राथमिकताओं को भी हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला है हरित विकास, जलवायु हित और लाइफ। एक तो ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड लाइफ, लाइफ जो हमने अभी पढ़ा था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। दूसरा है त्वरित समावेशी और लचीला विकास। ये वो पॉइंट्स है जिनको भारत अपनी अध्यक्षता में सबसे आगे रखेगा। ये तीसरा पॉइंट है SDG की तेज प्रगति, तकनीकी बदलाव और डिजिटल पब्लिक ट्रांसफर, 11वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, ये पांचवा पॉइंट हो गया। महिलाओं के नेतृत्व का विकास, ये 6 पॉइंट हो गए। इस प्रकार से 6 पॉइंट भारत ने आगे रखे हैं।